बस सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज क्या है, मैं अभी एक सब्सक्राइबर से मिलने जा रहा हूँ जो कि पैरामीटर रहता है। तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि यार पैरामीटर सिटी बता दो कैसा है, तो आज आपके लिए पैरामीटर जा रहा हूँ और अपने सब्सक्राइबर से भी मिलना है। तो एक तीर से दो शिकार कर रहा हूँ। Lidcombe, Sheffield, Redfern and Central. था अपने सब्सक्राइबर से मिलने, तो बहुत खुशी हुई इसे मिलके भाई से। मेरे अपने सब्सक्राइबर सागर भाई, आज उनके साथ मैं नाइट स्पेंड कर रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। भाई वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, तो अभी बाकी बातें जाके वहाँ पे होगी। ये हमने अभी कुछ खाया भी नहीं है, खाने का प्रोग्राम भी करते हैं। सीन कुछ ऐसे है, आई एम विद सागर इज़ फ्रॉम इंडिया। तो मेरी मुलाकात कैसे हुई कि ये मैं सब्सक्राइबर है, सिडनी में रहते हो, मैं पैरामीटर में रहता हूँ, तो क्यों हम फ्री टाइम निकाल के मिले ना, तो मैंने कहा क्यों, इट्स अ गुड आइडिया। तो आज हमने कैचअप किया है, तो अभी हम कुछ खाने लगे हैं, तो बाकी अब इसकी यूनी जाएंगे, फिर आगे से इंटरव्यू तो हो गया। सागर आप कुछ कहना चाहते हैं? बड़ा अच्छा लगा भाई से मिलके, इन्होंने ज़रा फटाफट रिप्लाई कर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मिले हैं भाई से, देखते आगे और बातें होंगी सब देखते हैं। सागर भाई के साथ हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, तो आज इंटरव्यू होगा सागर भाई के साथ। सागर भाई ये कौन सा कैंपस है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का? पैरामीटर सिटी कैंपस। तो मुझे पता चला है कि सबसे ज़्यादा सब कैंपस किसी यूनिवर्सिटी के हैं तो वो वेस्टर्न सिडनी है। इज इट राइट? चार तो पैरामीटर में। इंडिया पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया इन्होंने। मैं सागर भाई के साथ हूँ, तो अब सागर भाई कौन सा वेस्टर्न सिडनी का कौन सा कैंपस है? ये पैरामीटर सिटी का कैंपस है, तो ये सिटी के बीचों बीच है ये कैंपस। तो अभी सागर भाई हमें विजिट करवाएं। सीन ये है कि इधर जो उनसे बाहर के स्टूडेंट होते हैं जो वेस्टर्न सिडनी में नहीं पढ़े, उन्हें अलाउ नहीं होता रात के 8 बजे के बाद, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही फ्लोर है जिस पे हम अभी खड़े हुए हैं, वही आपको दिखाएंगे। बाकी फिर किसी दिन मैं सुबह के टाइम आऊँगा, तो फिर सारी यूनिवर्सिटी आपको ये वाला कैंपस आपको सारा विजिट करवाऊँगा। पैरामीटर सिटी का जो फर्स्ट फ्लोर का कैंपस है, इसमें कैसा है कि सिर्फ जो अभी तो सिर्फ स्टूडेंट्स को अलाउड है, रात हो जाती है तो फिर जो बाहर के आउटसाइडर्स उनको अलाउड नहीं करते। तो इसके टोटल छः या सात फ्लोर्स है, तो इसमें 6 या 7 फ्लोर, सब जगह क्लासेस हैं, सब जगह कंप्यूटर्स वगैरह सब फैसिलिटीज़ है, जिसको आना है सब आओ रहे हो, सब कुछ ईजी है, चिल एकदम। तो जिसको आना है रात भर बैठ के पढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो। मैंने खुद ने यहाँ 2-3 दिन नाइट मारी है पढ़ाई करने के बहाने, तो पढ़ाई करते थे हम बैठ के। यहाँ ये स्टूडेंट सर्विसेज है, तो ये पूरा स्टूडेंट सर्विसेज एरिया, जिसको भी हेल्प चाहिए स्टूडेंट से, कुछ भी चाहिए, ये वाला और आगे जो है वो पूरा स्टूडेंट सर्विसेज एरिया है। यहाँ वो टीटी का टेबल है और यहाँ सब चिल एरिया है, स्टूडेंट सब यहाँ बैठते हैं, यहाँ चिल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ वॉशरूम्स, लिफ्ट वगैरह सब कुछ है, और ये सब जैसे प्रिंट जो एरिया है, किसी को भी अगर प्रिंट कराना हो, कुछ भी प्रिंट कराना हो, तो वो यहाँ प्रिंट करा सकता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी फ़ीस है, बाकी आउटसाइडर्स के लिए मुझे पता नहीं, शायद प्रिंट करा भी नहीं सकते वो, आई डोंट नो। और ये लिफ्ट्स वगैरह हैं सब जगह, ऊपर नीचे जाने के लिए सबको। और यहाँ ये मेन स्टूडेंट सर्विसेज एरिया है, कुछ भी किसी को भी करना है तो यहाँ स्टूडेंट सर्विसेज कर सकते हैं। वो सामने लाइब्रेरी है, तो वो पैरामीटर सिटी की जो ये कैंपस है, ये इतना मतलब मेन कैंपस जो पैरामीटर का है वो साउथ कैंपस है, तो वो सबसे बड़ा कैंपस है पैरामीटर का। ये तो एक हिसाब से छोटा, इन्होंने छोटा CVD कैंपस बनाया हुआ है। तो ये जो है ये लाइब्रेरी है पैरामीटर सिटी कैंपस की, तो ये छोटी सी लाइब्रेरी है, वो वाली तो काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ किसी को आके पढ़ना है, बुक्स वगैरह लेनी है तो यहाँ से ले सकता है। सर्विसेज का काउंसिल है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको देखो पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आप यहाँ से आके इनसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको सही गाइडेंस दे देंगे क्या करना है कैसे करना है। यही है पैरामीटर फ़िलहाल, तो अभी यही देख सकते हैं, बाकी भाई कभी बाद में आएंगे तो उन्हें और पूरा कैंपस दिखाएंगे। कि थोड़ा मैं आपको चेक करवा देता हूँ, लेकिन मैं अभी इसी फ्लोर पे ही आपको दिखा सकता हूँ, मैं ऊपर या नीचे नहीं जा सकता। तो फिर किसी दिन सुबह के टाइम आऊँगा, तो इंशाल्लाह सागर भाई के साथ पूरा विज़िट करेंगे कैंपस।
रात के 12 बजे हैं, आप किसी टाइम भी इधर आ सकते हैं और गेम खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिग्नल है, वो सिग्नल के उधर ही एक वेस्टर्न सिडनी का दूसरा कैंपस है, वो कॉलेज वाला कैंपस है। वो है एक, ये है एक, साउथ में है एक, नॉर्थ में है। सागर भाई से मिल लिया, बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा सागर भाई के साथ, तो फ्यूचर में इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे और कोई सब्सक्राइबर मुझसे मिलना चाहता है तो भाई आपका हाजिर है, मैं सबके लिए ओपन हूँ। और किसी को जॉब चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, एयरपोर्ट से पिकअप चाहिए, भाई हाजिर है आपके लिए। तो बाकी अभी चलते हैं सागर भाई। ओके ओके भाई, तो अच्छा लगा इनसे मिल के, बहुत दिन मतलब मैं मैसेज किया, मुझे उम्मीद नहीं थी आएंगे, लेकिन आए भाई, अच्छी तरह से मिले हम, अच्छी तरह से बातचीत हुई इनसे, वापस जब होगा तब वापस मिलेंगे आपसे। नहीं यार, थैंक यू सो मच। और मुझे सबसे ज़्यादा कोई खुशी होती है ना, कोई इंडिया से मुझे सब्सक्राइबर कहता है ना मिलने के लिए, तो मैं किसी से मिलूँ ना मिलूँ तो इंडिया के सब्सक्राइबर से ज़रूर मिलता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग गलत सोचते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से हेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंडिया पाकिस्तान भाई भाई है भाई, क्यों आपस में कुछ नहीं है हमारे, हम लोग मैं इंडिया से या पाकिस्तान से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस प्यार से रहो यार, नफरत से कुछ नहीं। तो ये प्रोग्राम था आपके लिए, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड पीस।